Welcome friend, today we are going to see the theorem of geometric mean, समकोण ज्यामितीय माध्य का प्रमेय. In a right angle triangle, the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is the geometric mean of the segment into which the hypotenuse is divided. मतलब समकोण त्रिभुज में शीर्ष लंब से कर्ण पर खींचा गया शीर्ष लंब रेखाखंड कर्ण द्वारा विभाजित होने वाले रेखाखंडों का ज्यामितीय माध्य होता है. तो फ्रेंड्स, ये थ्योरम प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. तो कौन सा डायग्राम? तो फिर से यहाँ पर वर्ड दिया है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल निकालने का है. द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचने का है. तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं. ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया, जिसका हम लेबलिंग कर रहे हैं ट्रायंगल ई पी क्यू आर. तो इसे हमने ट्रायंगल पी क्यू आर, इस तरह से हम इसे लेबलिंग करते हैं. और एंगल क्यू को हम राइट एंगल कंसीडर करते हैं. और दूसरा हमें कहा गया है कि द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, मतलब ये वर्टेक्स से हाइपोटेनस के ऊपर एक परपेंडिकुलर सेगमेंट हमें निकालने का. और इसी परपेंडिकुलर सेगमेंट, जैसे इसे हमने लेबल किया क्यू एस, तो ये जो क्यू एस है यही सेगमेंट पी एस और एस आर का ज्यामितीय माध्य, या उसे हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं. तो हमें सबसे पहले यहाँ पर टू गिवन लिखेंगे हम सबसे पहले. तो गिवन हमें क्या दिया गया है? तो हमें एक ट्रायंगल दिया गया है. इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री. और हमें दिया गया है क्यू एस सेगमेंट क्यू एस परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी आर एंड पी एस आर आर कोलिनियर, पी एस आर आर कोलिनियर. एंड टू प्रूव करने का हमें दैट दिस सेगमेंट क्यू एस is the square of geometric mean, means it is the square QS square equals to PS into SR. ये हमें प्रूव करने का. Friends, now we see the proof of this theorem. Proof we are given in triangle PQR segment QS is perpendicular to segment PR, and therefore by the property of similarity of right angle triangle we can write triangle QSR similar to triangle PSQ. Similarity of right triangle now friends, now these two triangles are similar, then their corresponding parts are equal or their corresponding sides will be in proportion. So therefore now we require here their corresponding sides, so therefore we are taking their corresponding sides. So therefore QS upon PS equals to SR upon SQ. These are corresponding sides of similar triangle. Now cross multiply, and therefore QS into QS, it will become QS square equal to PS into SR, and therefore here we get the proof. This segment QS segment की base is the geometric mean of segment PS and segment SR. And here we get proof of this theorem. So thank you for watching this video. If you like this video, don't forget to like, comment and share.